एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी टॉक्स विद सिमरन में बहुत 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 स्वागत है। तो आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, वो है बहुत रेलिवेंट टॉपिक होता है और बहुत सारे लोगों ने ये मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा भी था मेरे यूट्यूब पर कि कब से हमारा पेट जो है वो दिखना शुरू होता है। देखो, सिंपल सी बात है, प्रेगनेंसी की जैसे जैसे जर्नी आपकी स्टार्ट होती है आपका पेट भी ग्रोथ पकड़नी शुरू कर देता है। बट धीरे 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 करके जब आप अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के एकदम आखिर तक आते हैं, आपका पेट एकदम राउंड शेप का वाटरमेलन जितना दिखाई देता है। हर महिला की शेप जो है प्रेगनेंसी की एकदम अलग होती है। तो डेफिनेटली इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे और जितना हो सके इस टॉपिक को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आप ये फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप प्लीज़ इसको फॉलो ज़रूर कर लेना मेरे पेज को, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको दिखती रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी प्रेगनेंसी के तीन महीने जितने क्रूशियस होते हैं, जितने इंपॉर्टेंट होते हैं और जितने डरावने होते हैं, उतना ही डोंट थिंक सो कि आपका सेकंड या थर्ड टेमेस्टर रहता है। क्योंकि प्रेगनेंसी के पहले टेमेस्टर में आपको जो है मिसकैरेज का खतरा बहुत ज़्यादा बना रहता है, आपकी बेबी का हार्ट बीट का डर बना रहता है कि आपकी बेबी की हार्ट बीट आ रही है नहीं आ रही, और बेबी की ग्रोथ है वो एकदम दाने जितनी होती है बिल्कुल छोटी सी होती है। तो आपके पेट को देख कर ईजली नहीं पता लगा सकते, इजली क्या बता ही नहीं सकता कोई कि आपको जो प्रेग्नेंट है या नहीं। क्योंकि फर्स्ट मंथ तो आपका ऐसे निकल जाता है जो आप अपनी डेट का वेट करते निकाल देती हैं। सेकंड आपका, अगर आपको जैसे इन रेगुलर पीरियड्स है तो डेफिनेटली कईयों को तो सेकंड मंथ में भी पता नहीं लगता कि वो प्रेग्नेंट है। बट थर्ड मंथ आते आते कुछ आपको वॉमिटिंग की समस्या होती है, कुछ आपको आपके ब्रेस्ट में चेंजेस दिखने लग जाते हैं, कुछ को जो मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं, मॉर्निंग सिकनेस होने लग जाती है, जिसकी वजह से आपको आइडिया सा हो जाता है कि आप प्रेग्नेंट है। तो थर्ड मंथ तक भी आपका पेट जो है विजिबल नहीं होता, कोई भी आपको देख के नहीं बता सकता। बट जैसे ही आपका थर्ड मंथ कंप्लीट होता है, आपका NTNB स्कैन होता है, उसके बाद जो है आपके बच्चा ग्रोथ पकड़ना शुरू कर देता है। वो धीरे धीरे करके एक नींबू की इतना सा शेप में हो जाता है, आकार में हो जाता है, और थोड़ा सा आपका जो पेल्विक एरिया है उसके अपर पार्ट पे आपको इतना सा फैट नजर आएगा, जो जैसे अगर आप फैटी होंगे मोटे होंगे तो आपका वो फैट मे बी लोगों को ना विजिबल हो, लोग आपको तब भी देखकर ना बता पाए। क्योंकि जो हेल्थी लोग होते हैं जिनके बैली फैट ज्यादा होता है उनको तो 4th to 5th month भी इजी पता नहीं लगाया जा सकता। बट अगर आप स्लिम होंगे तो आपका 4th month में पेट आपको जो है 1 to 2 centimeter तक बाहर नजर आएगा। धीरे धीरे करके जैसे ही 5th month स्टार्ट होता है, 5th month में बच्चे की जो ग्रोथ है वो बनने लग जाती है। बच्चे के हाथ पैर, सुनने की क्षमता, बोलने की क्षमता, देखने की क्षमता, वो बच्चे के डेवलप होने लग जाती है। बच्चे का प्रॉपर जो बाहर का ढांचा होता है वो बन चुका होता है, और बच्चे का जो आकार है वो सेब के आकार का हो जाता है। जैसे एक जगह पर आप सेब रखते हो, जितनी जगह सेब को चाहिए होती है उतना ही आपका पेट नजर आता है बाहर को। आप ये बात याद रखना है कि जो सेब है वो आपका जितना बाहर को नजर आएगा उतना ही अंदर भी होता है। तो आपका जो पेट है वो सिर्फ इतना बाहर को नजर आ सकता है आपको, जो कि मैक्सिमम 3 to 4 centimeter तक होता है, ज्यादा पेट आपका नहीं, इंचेस तक होता है, ज्यादा पेट आपका नहीं बाहर आता। जैसे ही आपका 6 month स्टार्ट होता है, बच्चा जो है पूरा प्रॉपर उसका ढांचा बन चुका होता है, अब वो स्टार्ट करता है अपनी ग्रोथ पकड़ना और वेट बढ़ाना। क्योंकि सबसे पहले तो बच्चे का जो वो ढांचा होता है जिसमें बच्चे के हाथ पैर मुंह और बच्चे की बॉडी बन रही होती है, तब तक बच्चा अपनी अच्छी से ग्रोथ नहीं पकड़ता। बट जैसे ही आपका 6 month स्टार्ट होता है, बच्चे का पर वीक 200 to 300 grams वेट बढ़ता है, और जो ऐसी मदर का वेट है वो भी बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। तो 5th month तक एक फैटी वुमन जो होती है जिनका बैली फैट बहुत ज्यादा है वो इजिली छुपा सकती है, बट 5th month के बाद आपको ये भी इम्पॉसिबल हो जाएगा छुपाना, और क्योंकि 6 month से तो ये ऑब्वियस ही बात है विजिबल होगा। 6, 7, 8 तक ये बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ता है पर वीक आपका जो है 8th, जैसे ही आपका 7th कंप्लीट होगा, 8th month से आपका जो है एक हफ्ते में 400 to 500 grams वेट बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। वो आपकी सिंपल सी बात है डाइट पे डिपेंड करता है। आप ये नहीं है कि आप कुछ खाती नहीं है तो बच्चे का वजन ऑब्वियसली बात है बढ़ता रहेगा। अगर आपकी डाइट अच्छी है, आप अपने सप्लीमेंट्स प्रॉपर ले रहे हो, आप अपनी डाइट में पोटेशियम ऐड कर रहे हो, फाइबर ऐड कर रहे हो, मल्टीविटामिन ऐड कर रहे हो, ईजिली पचने वाली चीज़ें ऐड कर रहे हो, आप अपनी बॉडी को फ्रूट्स दे रहे हो, जूस दे रहे हो, तो आपकी बॉडी ईजिली उसको पचा लेगी। मगर
अगर आप अपनी बॉडी को सही से मात्रा में खाना नहीं दोगे तो वो नहीं पचाएगी और बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा और आपका पेट इतना भार नहीं नजर आएगा। तो ये आपको चीजें देखनी पड़ेगी। 9वें महीने तक आपको कोई भी देख के बता देगा कि आप जो प्रेग्नेंट है, पेट आपका अच्छा खासा नजर आ जाएगा। तो ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा कि आपको 3rd मंथ तक बिल्कुल नहीं डरना। 4 to 6 मंथ आपका बेबी जो है ग्रोथ पकड़नी शुरू करेगा और 7 to 9 मंथ में आपका पेट इजी विजिबल होगा। तो चलो ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको जो मैं समझाना चाहती थी आपको समझ आ गया होगा। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।